टोकरे को मतलब डबल बॉइलिंग से कर लिया है। डबल बॉइलिंग मेथड तो वी आर गोइंग टू मेक चॉकलेट मूस। चॉकलेट मूस के लिए हमको सबसे पहले चाहिए चॉकलेट, जो चॉकलेट हमारा रेडी है। उसके बाद हमको चाहिए क्रीम जो कि हम चॉकलेट में ऐड करने वाले हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे एग योक। एग योक भी अपना रेडी है जो 6 एग से हमने बनाया है। सो जो कि डिवाइडेड किया है हमने एग वाइट में। इसको हम विस्क करने वाले हैं। जब हम विस्क कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म होने के बाद, जब फॉर्मी हो जाएगा, उसके बाद हम इसको चॉकलेट का जो मिक्सचर है क्रीम और एग योक का, इसमें हम धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। जब हम इसको विस्क करेंगे तो इसके साथ साथ में हम धीरे धीरे इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हमारा ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है, जब यहाँ पर जब हम उसको फोल्ड करेंगे, वो मिक्सचर रेडी है। उसके बाद जैसे हम चाहें हम बॉल में दे सकते हैं, हम एक ट्रे में नीचे बेस लगा, कुकीज का बेस लगा के कर सकते हैं इसको, या फिर हम किसी भी ग्लास में सर्व कर सकते हैं। ओके, इसमें हम जिलेटिन यूज करते हैं। जिलेटिन जो कि हम 3 ग्राम जिलेटिन यूज करेंगे। आप चाहें तो ना कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए जैसे रखना चाहते हैं, किसी बाहर रखा है, मेल्ट ना हो, ये गिरे ना, प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें हम थोड़ा सा 3 ग्राम लगभग 1 अंडे में जिलेटिन यूज कर सकते हैं। और फिर उसको हम कोई भी शेप से कट कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको लास्ट में जब प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम दिखाएंगे। उसके लिए हमने चॉकलेट मेल्ट किया हुआ है, डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट, जिससे हम गार्निश बनाएंगे। ओके, सो वील स्टार्ट नाउ। हमने क्रीम ऐड किया इसमें। इसको हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट किया था चॉकलेट को। ये हमने मिक्सचर डाला है। आप चाहें तो क्रीम को हम विस्क करके भी फोल्ड कर सकते हैं, हम क्रीम को नॉर्मली भी डाल सकते हैं। तो सर जैसे अगर वेज हो गई तो इसमें क्या डालेंगे सर? वेज के लिए अगर हम यूज कर सकते हैं, अगर इज अ सब्स्टिट्यूट है जो जिलेटिन की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, अगर इस बेसिकली मेड फ्रॉम द सीवीड। सीवीड एक प्लांट होता है जो कि मोस्टली जापान में पाया जाता है, जापान के सी में, और समुद्र के अंदर ये पाया जाता है। उससे बनता है अगर, वो भी एक सेट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई नॉनवेज नहीं खाना चाहता है। सर ये नदी वगैरह में भी हो जाता है, जंगल वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग वाइट को बीट करेंगे। ओके, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू बीट एग वाइट। हम एग वाइट को बीट करते हैं अच्छे से, ठीक है? इसमें हल्का हल्का धीरे धीरे शुगर हम ऐड करेंगे। कप लेने गया था सर, शुगर डाली थी। कितना ग्राम शुगर? 60 ग्राम। 60 ग्राम शुगर है, 6 नंबर एग वाइट है। ओके, एग वाइट था, इसमें बबल्स आ गए हैं, एयर बबल्स आ गए, एयर इनकॉर्पोरेट हो गया। जब हम इसको चॉकलेट में मिक्स करेंगे तो यही चीज इसको थोड़ा लाइट क्रीमी बनाएगा और टेक्सचर भी उसका क्रीमी रहेगा। तो वार्म वाटर में डालेंगे, या तो फिर हम जब हमने चॉकलेट वार्म किया था उसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन 15 ग्राम 20 ग्राम आता है, ठीक है? ये किसका काम करती है सर? ये सेट के लिए यूज करते हैं हम, जिससे कि जो हमारा मूस है वो सेट हो जाएगा। 5 ग्राम ये जल्दी सेट कर देगा। ओके, इसको फ्रीज करना पड़ेगा सर? चॉकलेट भी सेट कर देगा, क्योंकि चॉकलेट को जब हम फ्रीज करेंगे तो चॉकलेट सेट हो जाएगा। तो हमने हल्का सा जिलेटिन डाला है, जिससे कि हम इसको जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके लिए बहुत आसान होगा इसको। हाँ,
धीरे धीरे अंडा खाना गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ ये एग व्हाइट हम ये इसको बस 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 खाइए। ये एग व्हाइट है देखिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं ठीक है ना। इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं, मेल्ट नहीं करना इसको, जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना इसको है ना। इससे जो इसमें एयर है वो एयर इसमें बना रहे हैं। चलिए डालिए डालिए। सर ऐसे केक बन जाए। हाँ हाँ ओके ओके हाँ हाँ बताए कितने लोगों? 10 लोगों ना? नौ है सर। 10 समझ एक डबल वाला आ जाएगा किसी को खाया। ये हमने फ्रिज में रख दिया, 2-3 घंटे में सेट हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत है सर। मैं उधर गया यहाँ गार्निश की वीडियो सर। क्रीम पाइपिंग टाइप में डालना प्लेट में रख सकते हो। अरे रिमोट है हमको और 100 ग्राम बटर। ये हम क्या बना रहे हैं सर? ये हम बना रहे हैं ब्रियोस। हमको 2 एग चाहिए, 2 एग लिखेंगे ब्रियोस ब्रेड ब्रियोस। 2 नंबर एग है। एग हमेशा जब भी आप ढो में डालें तो एग को किसी बॉल में तोड़ लें, क्योंकि जो चांसेस रहते हैं एग का जो सेल है उसका कोई पार्ट ना चला जाए उसमें, है ना। सेल एग सेल धो में ना चला जाए इसलिए बाहरी तोड़े। हाँ वो बनाते हैं ना क्रीम वगैरह बड़े बड़े। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे फिर उसके बाद। इसको सबसे पहले जो राइट साइड की जो लेयर है उसको हम लेफ्ट साइड में एक लेयर को छोड़ के उसके बीच में डालते हैं, फिर लेफ्ट साइड की जो लेयर है हम उसको सेंटर में लेके जाते हैं, फिर लेफ्ट साइड के लेयर के साथ में उसको टर्न करते हैं। इस तरीके से टर्न किया, फिर से हम वही सेम दोहराते हैं, लास्ट की लेफ्ट में सेकेंड लेयर मिडिल में, फिर मिडिल में फिर लेफ्ट से टर्न किया, फिर वही चीज है। ओके देखना इसका लेयर देखना, जब अभी बना के बन के तैयार होगा तो इसमें कोई भी कहीं पे भी बिल्कुल भी आपको गैप नहीं दिखेगा, है ना। इसको बोलते हैं बटर जोक, जो कि ऑमलेट का कॉम्प्लीमेंट है। ये देखिए लेयरिंग देखिए, है ना।
इधर लेयरिंग देखिए, कहीं पे कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, ये होता है डाउन पार्ट जिसमें एक सेंटर में गैप होता है। ओके, सेम है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बेक करेंगे। इस पे एग, एग योक के साथ में हम उसका एग वॉश बनाएंगे, उसके साथ में हम बेक करेंगे। गार्निश की वीडियो सा क्रीम पाइपिंग टाइप में डालिए। प्लेट में रख सकते हो, अरे रिमूव करना है। बहुत है सर, मैं उधर गया। अच्छी बात है, लेकिन